नमस्कार, बनारसी थाली में मैं सिंपी अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। इस त्यौहार पर हम लाए हैं आपके लिए 5 तरह की रेसिपी, तो एंजॉय कीजिए। और शुरुआत करते हैं हम तिल के लड्डू से। तो सबसे पहले हम तिल ले लेते हैं, ये सफ़ेद तिल लिया है हमने और इसे अच्छी तरह से धोकर और धूप में सुखाकर साफ़ कर लिया है और अब हम इसे भुनेंगे। तो हम पहले कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें तिल को डालेंगे और धीमी आंच पर इसे भूनते रहेंगे कम से कम 5 मिनट तक, जब तक ये ब्राउन न हो जाए। ये देखिए, ये ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। तो पहले हम गुड़ बना लेते हैं, उसके लिए हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी ले लेते हैं। और अब हम कुछ गुड़ को टूटे हुए ले लेते हैं, ये गुड़ को हमने तोड़ लिया है अच्छे से और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं और इसे लगातार चलाते रहते हैं। और फ्लेम को हमने एकदम धीमा रखा हुआ है, लगातार चलाएंगे नहीं तो ये जल सकता है। गुड़ को हम 500 ग्राम लिए हैं और हमने यहाँ पे तिल 1 किलो लिया हुआ है, लेकिन हम उसमें से आधा ही बनाएंगे, आधा की एक खोए की रेसिपी बनाएंगे जो कि हम अभी इसके बाद बताएंगे। तो गुड़ के बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं तिल, भुने हुए तिल। यहाँ पे ध्यान रखना है, गुड़ में ऐड तिल को ऐड करने के बाद इसे हम गैस को बंद कर लेते हैं और जल्दी जल्दी से ये गर्म ही रहे तभी हम इसके लड्डू बना लेते हैं। लड्डू बनाने से पहले हाथों पर हम पानी लगा लेते हैं। इस तरह से देखिए लड्डू तैयार हो चुके हैं तिल के और गुड़ के। और हमारी नेक्स्ट रेसिपी है तिल की ही खोए की बर्फी, तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए खोए की बर्फी हमने बनाया हुआ है। तो इसके लिए हम पहले ले लेते हैं मावा। यहाँ पे हमने आधा किलो मावा लिया है जिसे हम खोआ भी बोलते हैं। और इसे हम, अगर खोआ थोड़ा बहुत हाथ से टच करके देख लीजिए, अगर हाथ में टच होता है तो उसे हम भून लेते हैं। तो ये खोआ हमारा हाथ में टच हो रहा था इसलिए इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, वो भी धीमी आंच पर, और हाथ से टच करके देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी हाथ पे नहीं लग रहा है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पीसी हुई चीनी 100 ग्राम। आधा किलो खोआ में हमने 100 ग्राम चीनी ऐड किया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप थोड़ा चीनी बढ़ा सकते हैं। और इसमें हम पीसी हुई इलायची और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। यहाँ पे हम काजू बादाम के टुकड़े डाल रहे हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें बचे हुए तिल डालेंगे, तिल को हमने पहले ही भून लिया है। तिल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा डालना है या कम डालना है। अब हम एक थाली लेंगे और उसमें थोड़ा सा घी फैला देते हैं, हम पूरे थाली पे अच्छी तरह से हम लगा लेते हैं। और ये मिक्स किया हुआ तिल और खोआ हम इस पर फैलाएंगे। गैस को हम बंद कर चुके हैं और अब हम इस पर फैलाएंगे, या आप हाथ की मदद से या फिर किसी प्लेट की मदद से भी फैला सकते हैं। आप चाहे तो लड्डू भी बना सकते हैं, यहाँ पे हम बर्फी बना रहे हैं। ये थोड़ा गर्म है इसलिए अब हम इसलिए इसमें प्लेट की सहायता से दबा लेते हैं और चिकना कर लेते हैं अच्छे से। और अब इस पर कट का निशान बना देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे बर्फी इसकी अलग कर लेंगे। तो खोए का तिलपट्टी हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट रेसिपी है हमारी काले तिल के लड्डू। और इसके लिए हम काला तिल ले लेते हैं पहले। यहाँ पे हमने तिल लिया हुआ है और इसे धो लेंगे छन्नी में, अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लेते हैं। और फिर इसे हम 2-2.5 घंटे धूप में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। ये सूख चुका है, बहुत ही अच्छे से सूखा हुआ है काला तिल। और अब हम इसमें
ऐड करते हैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। इसे हम भुने नहीं हैं, बिना भुने हुए ही हम इसे तैयार कर रहे हैं। इसमें हम कई तरह के ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं और गुड़, जैसे हमने पहले बताया हुआ है कि गुड़ को हमने घी में भुना हुआ है, अच्छे तरह से पिघला लिया है, और वही गुड़ हम इसमें यहाँ पर भी इस्तेमाल करें। गुड़ को गर्म ही रखना है और इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो हाथों से भी इसे जल्दी जल्दी मिक्स कर सकते हैं, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा बाद में। और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि ये गर्म ही बनता है, इसलिए हमें इसको ठंडा नहीं करना है, नहीं तो ये एकदम जम जाएगा। और लड्डू को हमने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं ये काले तिल के लड्डू हैं, कितने अच्छे और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारी सेहत के लिए। तो आप इसे बनाइए ज़रूर और टेस्ट करिए, और अपनी सुझाव हमारे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम बनाने जा रहे हैं बाजरे के लड्डू, जिसे मोदक भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने उसे मोदक की तरह ही बनाया हुआ है। तो इसके लिए हम पहले आटे को भून लेते हैं, बाजरे के आटे को हम भूनेंगे। यहाँ पे घी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी है, अगर हम 500 ग्राम लेते हैं तो कम से कम 300 ग्राम घी हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम आटा लिया है, 300 ग्राम घी लिया है। घी को उतना ही रखना है कि ये अच्छी तरह से हलवे की तरह हो जाए, और इसे हम धीमी आंच पे ही भूनेंगे। ये देखिए हलवे जैसा हो गया है, थोड़ा सा और भूनेंगे तो ये और पतला हो जाएगा। अगर आपको घी कम लग रहा है तो आप घी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये ढीला हो चुका है इस तरह से, और इसे हमें भूनना है बहुत ही अच्छे से धीमी आंच पर। और जब ये हो जाएगा ना, तो पानी का छींटा मारेंगे जब इस पर, तो इस तरह से ये आवाज़ करेगा। और इसको अब हम निकाल लेते हैं एक बड़े से बर्तन में, और इसको इतना देर तक फेंटना है हमें कि ये सफ़ेद हो जाए। अभी हम दिखाते हैं आपको, ये काफ़ी देर तक फेंटा हुआ है, ये देखिए लगातार फेंटे रहने से ये सफ़ेद हो चुका है। थोड़ी मेहनत तो है इसमें, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी होता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 300 ग्राम पिसी हुई चीनी। आप चाहें तो थोड़ा मीठा कम कर सकते हैं, और साथ में ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं पिसी हुई इलायची, और इसे अच्छी तरह से हम आटे की तरह गूंथ लेंगे। अब हम बनाएंगे इसके लड्डू। आप चाहें तो लड्डू बनाएं, या फिर इसे मोदक का रूप भी दे सकते हैं, चाहे तो आप इसे मोदक के सांचे में भी बना सकते हैं। हमने यहाँ हाथ से ट्राई किया है, कुछ इस तरह से बना है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा बाजरे के आटे का मोदक तैयार हो चुका है। और अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी है दूध वाले चूड़ा मटर। तो इसे बनाने के लिए हम चूड़ा ले लेते हैं, यहाँ पे 200 ग्राम चूड़ा लिया हुआ है, और इसे हम सिर्फ धोएंगे थोड़ी देर के लिए, बहुत देर तक नहीं धोना है हमें। धो के हम इसमें आधा गिलास दूध में भिगो देंगे, इसे बहुत गीला नहीं करना है, इसे बस हल्का सा भिगा देना है 2 से 3 मिनट तक। और इसके बाद हम एक लेते हैं कढ़ाई, कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल डाला है, जीरा डाल देते हैं, और एक लंबी कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और अब हम डालेंगे इसमें हरे मटर। और इसे हम पकने के लिए ढक देंगे, धीमी आंच पर रखना है इसे जब तक मटर गल ना जाए। साथ में ही हम इसमें डालेंगे इस थोड़े से मसाले, जो कि हम यहाँ पर ले रहे हैं धनिया, लहसुन की पत्तियाँ, अदरक और एक छोटी सी मिर्च, और जीरा भी ले लेंगे। अगर आपके पास लहसुन की पत्तियाँ ना हो तो आप लहसुन की कलियाँ भी इसमें डाल सकते हैं, और थोड़ा सा पानी डालकर हम इससे पेस्ट बनाएंगे। और अब ये पेस्ट हम डालेंगे मटर में, ज़रा सा पानी भी इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं, इसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डाल सकते हैं।
और हम नमक डालकर अब इसे हम ढक देंगे, और जब तक मटर गल ना जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए मटर हो चुका है अच्छे से, और थोड़ा थोड़ा इसमें मसाला रह गया है, सूखा नहीं अच्छे से, तभी हमने इसे निकाल लिया है। और अब इसी कढ़ाई में हम लेते हैं 2 चम्मच घी और डालेंगे काजू और किशमिश। इसे थोड़ा सा भून लेंगे जब तक किशमिश फूलने ना लगे। और इसमें अब हम डालेंगे चूड़ा जो हमने दूध में भिगा रखा है। ये बनने के बाद थोड़ा थोड़ा गीला जैसे रहेगा, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो अब हम इसे धीमी आंच पर 2 मिनट तक भुनेंगे। ये हमने 2 मिनट भून लिया है। इसके बाद हम इसमें मटर को ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी। नमक हम पहले ही डाल चुके थे मटर में, इसलिए इसमें नहीं डालेंगे। और अब हम डालेंगे पिसी हुई इलायची और मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरह से। और हमारा चूड़ा मटर तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए इसका लुक कितना अच्छा है, ये बहुत ही टेस्टी है। आप ज़रूर बनाइए और ट्राई ज़रूर करिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।